जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जय जी डीआल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह की 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने रेड कलर के कपड़े से बनाई है और उसके ऊपर इस तरह से हमने येलो कलर की लेस लगाई। ये इसके साथ की हमने ये पगड़ी बनाई है। तो चलो अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी पट्टी काट लेते हैं। ये पट्टी मैंने 3 इंच चौड़ाई की काटी है, जिसे मैंने 20 इंच लंबाई का काटा है। अब इस पट्टी के नाप के मैंने अस्तर का पीस भी काट लिया। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। इस तरह हमारा घेरा तैयार हो गया है। इसमें हमने प्लेटें डाल दी। अब इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने इस तरह से पट्टी काट ली है। ये पट्टी मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की ली है और इसे मैंने 7 इंच लंबाई कर ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से हम डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे, फिर इसे सीधी कर लेंगे। तो
मैं एक सिलाई लगाती हूँ, फिर सीधी करते हैं, फिर इसके ऊपर अपनी लेस लगाते हैं। जहाँ पे लेस लगी नहीं उसी से को हम सेंटर में से जोड़ते हैं। इस तरह से इसकी यहाँ पे हम बाजू जोड़ेंगे दोनों। इससे हमारी चोली तैयार हो गई है। इस चोली की चौड़ाई हमारी 3.5 से 4 इंच के बीच में आई है। हमारे घेरे की चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए, ये भी हमारे 3.5 से 4 इंच के बीच में आई है। इस तरह से हम अपनी चोली को लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। इस तरह हमारी चोली हमारे घेरे से अटैच हो गई है और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेते हैं तो हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। अब इसके हम पगड़ी बनाते हैं। अब पगड़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से पट्टी तैयार कर ली है। ये पट्टी मैंने 2.5 बाई 5 इंच की ली थी, जिसे मैंने फोल्ड करके तैयार किया है। फोल्ड करने पर ये हमारी 1/2 इंच के चौड़ाई में तैयार होती है, 5 इंच इसकी हमारी लंबाई रहती है। वैसे इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे सुई धागे की हेल्प से इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने इस तरह से ये एक अपनी लेस का राउंड बना लिया है। राउंड बनाने के लिए मैं इस तरह से अपनी लेस लेती हूँ और लेस में इस तरह से नीचे की तरफ से इसमें छोटी छोटी स्टिच कैसे कर लेते हैं, फिर इसको खींच लेते हैं। खींचने से फिर हमारा इस तरह का ये राउंड में हमारे लेस का एक पीस बन जाता है। अब इस पीस को हम अपने पगड़ी के ऊपर सामने की तरफ, आप चाहें तो इसे सामने की तरफ लगा सकते हैं या फिर इस तरह से पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप इसे यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। तो हम इसे इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से अटैच करते हैं। तो मैं इसके ऊपर ये सिलाई करती हूँ, फिर मैं इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह से मैंने अपने
पगड़ी के ऊपर ये पीछे की तरफ इस तरह से सिलाई करके से मुकुट को कंप्लीट कर लिया। आगे की तरफ मैंने इस तरह से एक ये पैच लगा दिया। इस तरह से हमारी ये पगड़ी कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।